दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रोज भाग्यश्री। इनबीसीएन न्यूज के बॉलीवुड गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। एक्टर अरमान जैन और अनिसा मनोत्रा की ग्रैंड रिसेप्शन में बॉलीवुड सेलेब्स और पॉलिटिशियन रहे प्रेजेंट। आज मुंबई में एक्टर अरमान जैन और अनिसा मनोत्रा की ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन देखने को मिला, जहां पर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की दुनिया के ढेरों सारे सितारे यहां पर प्रेजेंट हुए थे। और सभी अरमान जैन और अनिसा मनोत्रा के ग्रैंड रिसेप्शन में बहुत ही एक्साइटेड लग रहे थे। शक्ति मोहन के ब्रेक लेक सीजन 2 के एपिसोड में टेरेंस लेविस और मौनी रॉय एज अ गेस्ट। शक्ति मोहन का शो ब्रेक लेक सीजन 2 बहुत ही जल्द आने को है और जिसकी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एपिसोड शक्ति ने शूट किया टेरेंस लेविस और मौनी रॉय के साथ, जहां दोनों भी यहां पर बतौर गेस्ट नजर आए। हमसे बात करते हुए सभी बेहद खुश नजर आए, जहां मौनी ने हमें शक्ति मोहन के मैसेज को इग्नोर करने वाले किस्से को सुनाया, तो वही टेरेंस शक्ति के गुरु रह चुकी है, जहां शक्ति और टेरेंस का जज और कंटेस्टेंट वाला भी रिलेशन रहा है। ऐसे में टेरेंस ने कहा कि कल मैं उन्हें सिखा रहा था तो आज शक्ति मुझे सिखा रही है। वही मौनी राय और टेरेंस दोनों ने ही कहा कि वो शक्ति से एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं। मौनी ने बताया कि कैसे उन्हें डांस इतना प्यारा है और बताया कि कैसे उन्होंने अपने गुरुजी से डांट भी खाई है। हमारे गुरुजी यहाँ पर आए हुए हैं और मेरी मोस्ट अमेजिंग मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंड मौनी, हु इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई रियली लव हर, शी इज हियर। सो आई थिंक लग ही नहीं रहा कि हम शूट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हम लोग मस्ती बहुत कर रहे हैं, बातें बहुत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि चलो थोड़ा काम भी कर लो। ओके, मोमेंट इंडिया मोमेंट बनना बंद कर दो और थोड़ा डांस कर लो। वी आर ट्राइंग टू डांस इन बिटवीन आवर जोक्स। या इट्स उल्टा उल्टा। हां नहीं, अब मैं फुल नहीं बता रही स्टोरी, अब हो गया। अभी हेडलाइन बनेगी शक्ति ने किया मौनी को इग्नोर। ये स्टोरी है, मौनी मत बोलना। नहीं, वो बस she was so caught up and she received so many messages just after she won the season. She was A, extremely overwhelmed. B, I'm sure she must have been very tired after such a grueling season. And it was one of its kinds, you know. So, and so I think she only barely took like 7 months to reply. But I was there at her place immediately after half an hour. I think after that message I was at her place. So you know, कितने अच्छे हो और आप मैं कितनी बुरी हूँ, बस हो गया। No, declare. Not like that. But what I'm saying is when the friendship is real, when you have true emotions for somebody, I think time and distance become very relative. So sure. एक ये cycle है, life is a cycle. और एक time पे मैं उनका गुरु था, आज की तारीख में अभी वो उस पढ़ाव पर पहुंची है जहां पर मैं उनका स्टूडेंट बन चुका हूं। बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। नित्य शक्ति के स्टूडियो में आए हैं एंड इट्स अ ग्रेट फन, इट्स रियली रियली गुड फन टू काइंड ऑफ जस्ट कम एंड यू नो बी अ स्टूडेंट। की स्टूडेंट पे क्या बीतती है जब हम उनको डांटते हैं कि ऐसा करो ऐसा, अब वही एक्सपीरियंस मैं फील कर रहा हूँ। सर ऐसे है कि ही विल नेवर से कि ये स्टेप और ये इतनी स्पीड में मुझसे नहीं होगा, एंड ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। वो कभी भी ऐसा नहीं जताते कि मैं कोरियोग्राफर हूँ या मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ही इज़ लाइक द सुपर चिल्ड आउट टीचर इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ द मोस्ट फेवरेट ह्यूमन बींग आई नो, ही इज़ माई फेवरेट। और मुझे ऐसा लगता है कि सर इतना मुझे इंस्पायर करते हैं ना, जस्ट बाय बीइंग हिमसेल्फ। हाँ, साथ में बैठ के लंच भी कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड वॉर्म, मतलब इससे ज़्यादा लाइफ में कुछ चाहिए नहीं। एंड आई थिंक यही मेरे को सर ने सिखाया है, और टू हैव हिम इन माई लाइफ मीन्स एवरीथिंग टू मी। फिल्म शिकारा के स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म के स्टार कास्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे मौजूद। आज मुंबई में फिल्म शिकारा की स्क्रीनिंग देखने को मिली। इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सभी यहां पर प्रेजेंट हुए थे। सभी फिल्म शिकारा को लेकर बहुत ही एक्साइटेड लगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि फिल्म शिकारा कश्मीरी पंडितों के ऊपर बेस्ड है और इस फिल्म का इंतजार हर किसी को है। स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर कोकना सेन, मनीषा कोइराला, ताहिरा कश्यप, विधु विनोद चोपड़ा, आदिल खान, सादिया और फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद थे। ज़ी5 पर आने वाली फिल्म शुक्रानु की कास्ट, देवेंदु शर्मा और शीतल ठाकुर ने मीडिया से की कुछ खास बातचीत। ज़ी5 पर आने वाली फिल्म शुक्रानु का आज मुंबई में ऑन लोकेशन शूट देखने को मिला, जिसे लेकर फिल्म के कास्ट, देवेंदु शर्मा और शीतल ठाकुर सभी यहां पर बहुत ही एक्साइटेड लगे। मीडिया से भी बातें की और बताया कि हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन उसमें आज का तड़का भी लगाना चाहते हैं, जिससे लोगों को यह फिल्म पसंद आए।
आज के टाइम पर लोगों को पता होना चाहिए कि शुक्राणु क्या है और इसका क्या किया गया था। इस फिल्म में इस सभी सारे सवालों का जवाब मिलेगा। नहीं, डेफिनेटली दिल में तो यही था कि करना है, क्योंकि लाइक यू सेड हुआ था उस टाइम पे, और छोटी चीज़ नहीं है किसी के साथ होना, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। वो लोग आज भी हैं जिनके साथ हुआ था, ऐसा नहीं है ये 100 साल पुरानी बात है कि कुछ लोगों के साथ हुआ था, वो लोग आज भी हैं। तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आपको अगर कभी भी एक अगर एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है जो चीज़ स्टिल इस वेरी फ्रेश विद इन ऑडियंसिस माइंड अगर कुछ है, तो उसको छेड़ने में मज़ा आता है आपको। और ये इस चीज़ के बारे में हमारे यहाँ बात हुई नहीं है इतनी गंभीर तरीके से जिस पे होनी चाहिए थी। हालांकि फिल्म गंभीर नहीं है, वो एक अच्छी बात है, टॉपिक गंभीर है, फिल्म गंभीर नहीं है। तो डेफिनेटली यार इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट कि आप इसके बारे में बात करें, और सिर्फ एक सोशल उसके बारे में बात नहीं होती है, एट द एंड ऑफ द डे बात आती है स्क्रिप्ट लिखी कैसी गई है, लिखावट अच्छी है कि नहीं, कैरेक्टर्स आपके कैसे हैं, लोग जब देखेंगे उन्हें मज़ा आएगा कि नहीं। वरना तो आप डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हैं, आप फिल्म बना रहे हैं इसलिए क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट के साथ कुछ मैसेज हो। सो कोशिश वही है लोगों तक पहुँचाने की, आई होप पीपल लाइक इट। हाँ, जब मैंने भी सुना था इस बारे में, कोई फिल्म ऑलरेडी मैंने देखी नहीं है पहले, और काफ़ी बड़ा ये घटना घटी थी जो जब 70s में जब ये हुआ था, तो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड इज यू नो व्हाई नॉट, अगर ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ बन रहा है और ऐसी कहानी कहने को मिल रही है, तो आई वॉन्टेड टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दिस प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अ गुड स्क्रिप्ट, सो आई होप यू गाइस हैव फन। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा। Yeah.